हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिएगा, आज मैं एक ऐसी सीक्रेट रेमेडी आपको बता रही हूँ जिससे शैम्पू से ही आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला घना मजबूत बना सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे, आप जो ये पानी देख रहे हैं और इसमें जो चीज़ मैंने डाली है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सफ़ेद बालों की सारे समस्या को दूर करेगी, बालों को काला घना और चमकदार बनाएगी। देखिएगा, बालों में अगर सफ़ेद बालों में रंग चाहते हैं तो आप इसमें काला गत्था भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपके बालों में रंग भी आना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा राइस वाटर लिया है, यानी कि 1 कप राइस वाटर, आधा कप मैंने नारियल का जो पानी होता है, नारियल का पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सफ़ेद बालों को जड़ों से काला करने के लिए, उसका इस्तेमाल किया है। यानी कि 1 कप से ज़्यादा हम यहाँ पे पानी लेंगे, यानी कि ये हम लेंगे यहाँ पे चावल का पानी और साथ ही नारियल का पानी, दोनों आपको एक क्वांटिटी में मिक्स करके, एक कंटेनर में मिक्स करके डाल देने हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एलोवेरा जेल चाहिए। आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं। 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये जेल इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अब देखिएगा, ये पानी आपको जो है अपने बालों में लगाना है अगर प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो आप यहाँ पर काला गत्था भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ आंवला पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ की समस्या, आप गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और स्मेल की समस्या है, बालों में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी है, तो आप यहाँ लेमन पील पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप लेमन पील पाउडर डाल दीजिए, उससे आपके बालों में जो स्मेलिंग की प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरीके से आपको इसे चलाते जाना है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, तो आपको इस तरीके से इसे मिक्स करते जाना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब देखिएगा, जिन लोगों के भी सफ़ेद बाल हैं, इस पानी से आपको अपना हीना, अगर आप घोलते हैं आप हीना घोल सकते हैं, आप इससे इंडिको अपना जो है मिक्स कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चाहें तो इसे ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं और इंडिको में डाल के या मेहंदी में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैंने 2 तरीके से लगाना बताया है, इसको आप जैसे चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। आप देखिएगा, लगाने से पहले आप जो है अपने बालों में अच्छे से इसे जड़ों में लगाइएगा, उसके बाद में थोड़ा सा शैम्पू आपको लेकर इसमें लास्ट में अगले दिन आपको नेक्स्ट डे, यानी कि 2 घंटे इसे बालों में छोड़ देना, नेक्स्ट डे आप इसमें ही शैम्पू डालकर बालों में करेंगे। इसके इस्तेमाल से आपके बाल काले घने मजबूत बनेंगे, सफ़ेद बालों की सारी समस्या दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने इसका इस्तेमाल किया, मेरे बाल इससे काले घने लंबे मजबूत हो गए। आप देख सकते हैं मेरे बालों की अच्छे से लेंथ और अच्छे खासे मेरे बाल इससे लंबे हुए हैं।